नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है उत्तराखंड पोस्ट में आपका। क्या आप जानते हैं कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल कहां पर है? ये जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि इस सवाल का जवाब है भारत। जी हां, दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल बनकर तैयार हो चुकी है। इस रोड टनल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इसका नाम है अटल रोहतांग टनल। 10,171 फीट की ऊंचाई पर बनी इस अटल रोहतांग टनल को रोहतांग पास से जोड़कर बनाया गया है। ये दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी रोड टनल है। ये करीब 8.8 किलोमीटर लंबी है, साथ ही ये 10 मीटर चौड़ी है। 10,000 फीट पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल को बनाने में 10 साल लग गए, लेकिन अब इसे लद्दाख साल भर पूरी तरह से देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा रहेगा। इसके बनने से सबसे ज्यादा फायदा लद्दाख में तैनात भारतीय फौजियों को मिलेगा, क्योंकि इसके चलते सर्दियों में भी हथियार और रसद की आपूर्ति आसानी से हो सकेगी। साथ ही अब मनाली से ले जाने में 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। अब आप ये दूरी मात्र 10 मिनट में पूरी कर सकते हैं। ये टनल सिर्फ मनाली को लेह से नहीं जोड़ेगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी यातायात को आसान कर देगी। ये कुल्लू जिले के मनाली से लाहौल स्पीति जिले को भी जोड़ेगी। इस टनल के अंदर कोई भी वाहन अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेगा। इसे बनाने की शुरुआत 28 जून 2010 को हुई थी। इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। इसे बनाने में बीआरओ के इंजीनियर्स और कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि सर्दियों में यहाँ काम करना बेहद मुश्किल हो जाता था और यहाँ पर तापमान -30 डिग्री तक चला जाता था। ये टनल इस तरीके से बनाई गई है कि इसके अंदर एक बार में 3,000 कारें या 1,500 ट्रक एक साथ निकल सकते हैं। इसे बनाने में करीब 4,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। टनल के अंदर अत्याधुनिक ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड का उपयोग किया गया है। वेंटिलेशन सिस्टम भी ऑस्ट्रेलियाई तकनीक पर आधारित है। इस टनल की डिजाइन बनाने में DRDO ने भी मदद की है, ताकि बर्फ और हिमस्खलन से इस पर कोई असर ना पड़े और यहाँ यातायात किसी भी मौसम में बाधित ना हो। इस टनल के अंदर निश्चित दूरी पर CCTV कैमरे लगे होंगे, जो स्पीड और हादसों पर नियंत्रण रखने में मदद करेंगे। टनल के अंदर हर 200 मीटर की दूरी पर एक फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था की गई है, ताकि आग लगने की स्थिति में नियंत्रण पाया जा सके।